नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुश्मनों को अब चील कौआ खाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब चाह कर भी दुश्मन बच नहीं सकता है। अगले 3 दिनों के अंदर उनके साथ बहुत बड़ी भयानक घटना घटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला इन 3 दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी तूफानी खुशखबरी मिलेगी। वह खुशखबरी यह है कि आपके दुश्मन समाप्त होने वाले हैं। अब आज के बाद से सेना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि आपके दुश्मन अब सीधे यमलोक पहुंचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो चुका है, अब आप फैसला करना ही पड़ेगा। यह बात मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। ऊपर वाले परमात्मा का यह संकेत है। मित्रों, आपके दुश्मनों ने बहुत कुछ कर लिया, उनके साथ साथ बहुत से लोगों का जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन अब उल्टा उनके ही ऊपर यह घटना होने जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी घटना होने जा रही है जिसे देखकर आपके दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा, किंतु विधि के विधान में जो लिखा है उन्हें कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए उनके जीवन समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। मित्रों, आप सभी को बता दें, आप जिस चीज का कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह सपना पूरे 51 वर्ष बाद होने जा रहा है। यह घटना 51 साल बाद आपके दुश्मनों के साथ घटना जा रही है। मित्रों, बात तो थोड़ी कड़वी है मगर 101% सत्य है। आपको पता ही है सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन चाह कर कुछ कर भी नहीं सकता है। आपके दुश्मनों की जिंदगी बर्बाद होने से कोई बच्चा भी नहीं सकता है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने उनके कर्मों का फैसला कर चुका है। दोस्तों, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब आपके दुश्मन इस दुनिया से जाने वाले हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। यह बात मैं आपको शिव का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके दुश्मन को न्याय के देवता भगवान शनिदेव खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मन को चिल कौआ नोच नोच कर खाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कम ही किया है जिनके वजह से उनको उनके फल ऐसा ही मिलने वाला है। मित्रों, आप सभी को बता दें कि यह बात बिल्कुल मजाक समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ हमेशा सत्य कहता हूँ। और मैं आपको गीता पर हाथ रखकर यह बात कहता हूँ कि आपके दुश्मनों के साथ आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर यह घटना होने वाली है। भगवान शनिदेव उनके कर मौका सजा देने वाला है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और घड़ा फूटने का वक्त आ चुका है, जिनकी वजह से उनको इतनी बड़ी घटना के रूप में जीवन समाप्त होने वाली है। मित्रों, आप खुशी के मारे नाचे लगेंगे, क्योंकि आपके घर में अब चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई देने वाला है, और वहीं आपके दुश्मनों के घर में रोना धोना बिल्कुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके कर्मों का सजा आपके दुश्मनों को मिलने वाला है। मित्रों, आने वाले अगले 3 दिनों का इंतजार कीजिए, आपको मेहनत का फल बहुत ही मीठा देने वाला है। आपके दुश्मन समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर आपको तथा आपके राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी है आपको राजा बना देगी। आपका सपनों पर पानी फेर दिए हुए भी सपना साकार हो जाएगा। आपको जिस चीज की आवश्यकता कई वर्षों से थी वह सभी चीज आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, मैं आपको यह बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आपकी राशि में बहुत बड़ी ग्रह गुर्जर जो भी बन रहा है, साथ ही साथ आपकी राशि परिवर्तन हो रहा है, उनके उपरांत आप सभी के जीवन काल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी योग जीवन आप सभी को मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपको यह बात बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर आपके घर में धन धान्य की बारिश होना बिल्कुल शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी अर्जी को स्वयं बालाजी महाराज स्वीकार कर चुके हैं। आपके घर में धन दौलत की बारिश बिल्कुल शुरू हो जाएगी। यही नहीं,
एक से बढ़कर एक खुशखबरी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, विधि के विधान में यह लिखा गया है कि आपके दुश्मनों को समाप्त करने के उपरांत ही आपके घर में धन दौलत करोड़ का जमीन बंगला गाड़ी आदि सभी आपके हाथ लगा बिल्कुल शुरू हो जाएगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा कि इतने कम समय में आपके घर इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल सकता है। किंतु आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपकी राशि में ग्रह गोचर का योग बन रहा है और आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से ऊपर वाले परमात्मा ने बहुत बड़े संदेश दे चुके, जिनकी वजह से यह खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। मित्रों, इस महीने के अंतर्गत आपके जीवन काल 3 ही दिन अच्छा रहने वाला है। उनके साथ साथ इस 3 दिनों के अंदर आपके जीवन धन्य हो जाएगा। आपके पूरे परिवार खुशी से नाचने लगेगी। उनके साथ साथ आपके घर छप्पर फाड़कर धन की बारिश होगी। मित्रों, मेरी कहना मानो तो आज ही आप दोनों हाथों को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी सारी मनोकामना पूरी न हो जाए तो फिर कहना है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के आश्रय होकर रहता है उनके जीवन धन्य हो जाता है। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। परिवार में चल रही आपसी कलह दूर होगी, सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से वह प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर को इनोवेट करेंगे, जिसे देखकर लोगों को हैरानी होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग अच्छा धन कमा सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन न करें, नहीं तो बाद में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको अपने सोचे समझे काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। पॉजिटिव प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने का उचित समय है। इस समय फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों व परिवार के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनेंगे, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। नेगेटिव किसी नजदीकी संबंधी या मित्र से वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्तता बनाए रखें। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। व्यवसाय कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें। कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है। इस समय नौकरी में परिस्थितियां बहुत अनुकूल बनी हुई है। ऑफिस में शांतिपूर्ण तथा पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। लव पति पत्नी में आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका के मुलाकात के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य जोड़ों तथा घुटनों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। वायु बाध ही वाली चीजों का सेवन ना करें तथा एक्सरसाइज अवश्य करें। आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में है। सुलह करने और संबंध सुधरने के लिए बहुत अच्छा समय है। काहोसी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें, इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरते। पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित न हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरत और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है, है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे कलात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें।
यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन चिंता न करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूलें। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफी उत्साहित है, लेकिन गलती से यह बस एक सामान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कि आपके पसंदीदा मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आपके पार्टनर आपकी देखभाल और अपने लिए आपकी फिक्र से प्रभावित होंगे, को भी इससे संतुष्टि मिलेगी। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रैली है, जिसे देखकर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में आपकी राशि में इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना। अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपकी राशि का चमकने का वक्त आ चुका है, क्योंकि शिवरात्रि में आपकी राशि में 7 बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज 7 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 7 बड़ी खुशखबरी यानी कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। धन दौलत बैंक बैलेंस करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव शिव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों के ढेर लगा देने वाली है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका, जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी। जो आपको मिलने वाली है दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे, जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है, क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है।
आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों, आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान माँ देव जी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यहीं से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी, यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में गम का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धड़ों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे, अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से दो दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल तूफान खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा, तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे, बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा था भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी है। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ दास जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस आयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं, इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको हुआ आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं
आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचली अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए यह समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में आकार किसी लड़ाई झगड़े में न पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती है, परंतु छठे भाव के राहु के हाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे मई से, जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से आठवें घर में जाएंगे तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खानपान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोड़ोट रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से आठवें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा, दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिएगा। वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी थी इस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जैसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा।
गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचलकर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दो हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।